सभी बीएलई बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएसई राज्य मुख्यालय लखनऊ से आप सभी को आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत सभी का स्वागत अभिनंदन। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक को लेकर के आपके साथ एक परिचर्चा करने आए हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य होगा कि हम आपकी बातों को कमेंट के माध्यम से लें, आपको समझें, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दें और कुछ नई चीजें जो हमारे साथ अभी है सिस्टम में वो हम आपको बताएं। तो बेसिकली आज का एजेंडा भी हमारा यही है कि हम आपको अपडेट करें एजुकेशन में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे एक नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में। पिछले महीने, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, पिछले महीने हम लोगों ने एक नाइलेट का फैसिलिटेशन सेंटर के लिए एक विशेष ऑफर के तहत 1200 रुपए में नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर दे रहे थे, जिसमें बहुत सारे बीएलई ने पंजीकरण किया है और अभी बहुत सारे, या यूं कहें कि अभी किसी का क्रेडेंशियल इसका आया नहीं। इस संबंध में आप हैरान परेशान भी होंगे कि अभी तक क्रेडेंशियल भी नहीं आया और इसमें जो टर्म कंडीशन बताई गई है कि 5 रजिस्ट्रेशन इस मार्च माह के अंत तक आपको एनी हाउ अपने क्रेडेंशियल के माध्यम से करना है। तो इसमें बताना है कि आप लोगों की उत्सुकता और चाहत को देखते हुए और जरूरतों के अनुसार इस पूरे स्कीम को 30 अप्रैल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और 30 अप्रैल तक ये चलेगा। और जिन लोगों ने अभी तक पंजीकरण कर लिया है, एक तरीके से बात करेंगे 11 मार्च से पहले तक का, उन लोगों की आईडी बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक उन लोगों की क्रेडेंशियल उनके मेल पे आना शुरू हो जाए। कुछ लोगों ने एड्रेस आवेदन के समय गलत भरे हैं, तो उनके आवेदन के समय जो एड्रेस गलत हुआ है तो इस वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उनकी हम सही एड्रेस मंगा करके फिर से उसको मैं वापस से भेज रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सही एड्रेस पे आप लोगों का क्रेडेंशियल, क्योंकि आप लोगों का एक सर्टिफिकेशन होगा जो नाइलेट के द्वारा आप लोगों के एड्रेस पे भेजा जाता है, तो उसमें आप लोगों को अपना उस एड्रेस पे जिनका गलत हुआ है उनको अभी क्रेडेंशियल थोड़ा रुकेगा जब तक कि उनकी सही एड्रेस ना भेज दी। बाकी ये एक हर्ष का विषय है कि आपने यूपी से बहुत ज्यादा लोगों ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया, तो ज्यादा से ज्यादा बीएलई को फिर से एक बार मौका मिल रहा है। जिन बीएलई के पास 5 कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक सेटअप है, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है और वो हमारे साथ जुड़ करके नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में अपने आप को शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये विशेष ऑफर है। इस ऑफर में डिस्काउंटेड ऑफर है, इसमें मात्र जो 8260 रुपये का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मात्र आपको 1200 रुपये में दिए जाने की बात, 1200 का पंजीकरण करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ दो बातें निकल के आ रही हैं, नए बीएलई जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है उनके लिए 30 तारीख तक का समय है, और जो बीएलई अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो इंतजार करें, अधिकतम एक सप्ताह में आपके पास आपका क्रेडेंशियल आपको मिल जाएगा। और इस क्रेडेंशियल के तहत 5 कैंडिडेट को पंजीकरण करने की जो अंतिम तिथि है अब वो 30 तारीख से बढ़ा करके 31 मार्च से बढ़ा करके 30 अप्रैल तक के लिए, यानी कि पूरे एक महीने तक के लिए अवधि आपको एडिशनल दे दी गई है। तो ये आज हमारी एक आज के मुलाकात में एक टॉपिक था मेरा, नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर न्यू स्कीम के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब इस स्कीम के बारे में नए बीएलई को मैं बता दूं, जो लोग नया फिर से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हाँ मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अपने क्वेश्चन को टाइप करके कमेंट बॉक्स में डालें। अभी बीच बीच में मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा जो भी एजुकेशन से संबंधित होगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि इसका ये नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर है क्या। तो नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर में कुछ बीएलई को अगर कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ इस नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर से आपको नाइलेट समेत सीएससी की आपको वहां पे ब्रांडिंग की सुविधा मिलेगी। आप बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म से, अपने डैशबोर्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सिंगल शॉट में भुगतान कर सकते हैं, यानी कि एक साथ 50, 100, 200 बच्चों की इनवाइसी की जनरेट करके आप उनका पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इन बच्चों की तैयारियां, ट्रेनिंग वो अपने सेंटर पे आप करा सकते हैं, मार्केट रेट के हिसाब से आप इनसे एडिशनली फीस ले सकते हैं, ठीक है। कंडीशन इस ऑफर का यही है कि आपको प्रतिवर्ष 5 पंजीकरण प्रतिवर्ष आपको न्यूनतम करने होंगे और ये अगले 3 साल तक के लिए आपको एक्सटेंड करेगा, यानी कि 3 साल में हर 3 साल के अंतर में हर साल आपको न्यूनतम 5 आवेदन अपने एक वित्तीय वर्ष की अवधि में करना होगा। और शुरुआती जो रजिस्ट्रेशन होगा, ये शुरुआती रजिस्ट्रेशन जो ही आप रजिस्टर होंगे तो 30 अप्रैल तक आपको 5 आवेदन करने होंगे। तो ये दो चीजें आपको कंडीशन है, इसके अलावा और कोई टर्म कंडीशन नहीं है। सेंटर ग्राउंड पे होना चाहिए, सेंटर पे काम हो,
और आप लोगों को जानकारी के लिए मैं अभी पूरी बात तो नहीं लेकिन इतनी जरूर बताऊंगा कि आगे आने वाले दिनों में हम नाइलेट सेंटर को ही आगे प्राइम करने जा रहे हैं। तो जिन सेंटर के पास नाइलेट सेंटर होगा वो हमारे साथ और भी सर्विसेज के लिए हकदार और दावेदार बनेगा, या उसे हम लोग प्राथमिकता के आधार पर अन्य सर्विसेज भी देंगे। तो ऐसी कंडीशन में उन सभी बीएलई से अपेक्षित है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जानने वाले संपर्क वाले बीएलई को नाइलेट सेंटर दिलाए। अब आते हैं हमारा सेकंड एक प्रोग्राम है, इसके बारे में बताना चाह रहे थे। एक ऑफर ऑलरेडी सीएससी में एजुकेशन में चल रहा है, जीएसटी बेसिक किट और जीएसटी एडवांस किट और टैली प्राइम विथ जीएसटी, ये सर्विसेज करने पर आपको इसमें दिया है कि स्पेशल होली ऑफर जो चल रहा है ये हमारा अभी चलेगा टिल 31 मार्च तक है, ठीक है। तो इसमें अगर आप कैंडिडेट 10 कैंडिडेट का एडमिशन कराते हैं तो आपको एक ईयर पॉड की बात बताई जा रही है कि ईयर फोन जो है आपको इसमें गिफ्ट करने की बात है, जिसकी 2300 रुपए कीमत है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ये अभी हम बात कर रहे थे इस स्कीम की, हमारा स्क्रीन स्लाइड नहीं हुआ था होपफुली। हाँ, ये नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर की स्कीम का स्कीम है। तो इसमें वो सारी चीजें हैं जो नए बीएलईज और डेट एक्सटेंशन के लिए बात लिखी गई है। और अभी मैं जो बात कर रहा था होली का विशेष ऑफर जो आपका टैली प्रोग्राम के लिए है कि अगर 10 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें कैंडिडेट को बीएलई को 2400 रुपए का ईयरफोन फ्री देने की बात की गई है। अब आते हैं कुछ बीएलई के पास सवाल है कि जो आईडीड के प्रोग्राम होते हैं एनसीवीटी के, उसका सेंटर लेने के लिए एक तरीके से आईडीड सुविधा केंद्र या आईडीड का फ्रेंचाइजी लेने के लिए सीएससी के माध्यम से, तो ये ऊपर जो एसडीएमआईएस जो पोर्टल दिया हुआ है इस पोर्टल पे आकर के लॉगिन करेंगे और लॉगिन विथ आई कनेक्ट जो सीएससी आईडी से लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट यहाँ डिडक्ट होगी। करीब 47-40 प्रकार के एनसीवीटी के कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं। ये मेरा दिखाने का अभिप्राय था कि जस्ट एक छोटा छोटा सा पॉइंट लेकर के। अब आते हैं थोड़ा आप लोगों के क्वेश्चन आयर पे, आप लोग क्वेश्चन करिए आज, क्योंकि मैं आप लोगों को इस पूरे आज की मुलाकात का मैं चैटिंग पे ही ज्यादा चर्चा करूंगा। एक साहब पूछ रहे हैं कि सर अच्छा हाँ पहले बात कर लें हम बाल विद्यालय के बारे में, थोड़ा सा बाल विद्यालय हमारे टॉपिक में है। सज्जाद बाल विद्यालय पे आप जरा सा आप बता लो कि बाल विद्यालय में नया क्या है, फिर आगे पॉइंट का कैमरा ऑन करो। बीएलई साथियों, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आज हम इस सेशन में जुड़े हुए हैं। बाल विद्यालय के विषय में जानकारी, हम अपनी बात को फिर से कहूँ कि बाल विद्यालय में जैसे आप जानते हैं पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, आप 2400 रुपए में पेमेंट कराते थे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। लेकिन अब इस रजिस्ट्रेशन की फीस में थोड़ा संशोधन किया गया है। संशोधन करने के पीछे का एक मकसद है, एक नया एलएमएस पोर्टल आप लोगों के लिए जो नए बीएलईज होंगे बाल विद्यालय लेना चाहते हैं उनके लिए एक नया एलएमएस पोर्टल रहेगा। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन आपको अब 5940 रुपए की फीस डिडक्ट होगी और उस फीस में आपको एलएमएस पोर्टल का लॉगिन मिलेगा। अभी इस बारे में डिटेल चर्चा नहीं हुई है कि एलएमएस पोर्टल के विषय में हम आपको ट्रेनिंग कब देंगे, कहाँ देंगे, इन सारी चीजों पे बात हो रही है। ये डेट एक फाइनल होकर हम आपको उसमें ट्रेनिंग भी देंगे। अभी ब्रीफ जानकारी आपको दी जा रही है हमारे सेंट्रल टीम के माध्यम से या स्टेट टीम के माध्यम से भी आपको थोड़ी अपडेट दिया जा रहा है कि 5940 रुपए जो आप रजिस्ट्रेशन का हो गया है उसके पीछे का मकसद क्या है। मैं आपको एक छोटा सा डिटेल और बता दूं कि जब आप ये 5940 रुपए का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जिस पोर्टल का लॉगिन मिलेगा, जिस एलएमएस पोर्टल की बात हो रही है, उसमें आपकी सारी एक्टिविटी, आपके टीचर्स की एक्टिविटी और स्टेट या सेंट्रल टीम के तरफ से अगर कोई नोटिफिकेशन आपको देना है तो वो नोटिफिकेशन भी आपको उसी पोर्टल पर मिल जाएगा। उस एक पोर्टल का जो मेन पर्पज होगा उसमें आपके सेंट्रल टीम और स्टेट टीम के बीच के जो कम्युनिकेशन गैप बहुत सारे बने हुए हैं उन कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है, आपकी क्वेरीज को हम समय से रिजॉल्व कर सकें, अन्यथा वो एक क्वेरीज समय आने पर वो चुनौती बन जाती है, फिर उसका समाधान नहीं हो पाता। तो ये एलएमएस पोर्टल आपको डोर स्टेप पर समझो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, आपकी क्वेरीज हम वहां से देख पाएंगे, आप एलएमएस पोर्टल पर अपनी एक्टिविटी पर अपलोड करेंगे, आप इमेजेस वहां डालेंगे, स्कूल में क्या आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी भी जानकारी आप वहां पोर्टल पर डालेंगे। तो एक मतलब इस एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास अभी तक जो अभी तक के पैरामीटर्स थे उसमें हमें बाल विद्यालय को मॉनिटर करने के पास हमारे पास टूल्स नहीं थे, हम एक दो संसाधन पर ही डिपेंड थे जिसमें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था, हमारा एमएस पोर्टल था,
उसी में से हम देख रहे थे कि हमारे कौन से बाल विद्यालय अच्छा काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, किन्होंने बच्चों को ऐड किया है कि नहीं किया है, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज थे। हमको फाइंड आउट करने में एक चैलेंजेस होते थे कि हमारे कौन से VLD काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, किनको मोटिवेट करने की जरूरत है, या किसके कहाँ पर क्या क्वेश्चन है जो रिजॉल्व करना है। लेकिन LMS पोर्टल आ जाने की वजह से हमको ये सारी चीजों में फाइंड आउट करने में इजी हो जाएगा कि हमें किस VLD से किस लेवल की बात करनी है, या वो काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो उसको कहाँ समस्या आ रही है। ये आने वाले समय में जब ये नए नई चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, उससे हमारी चीजें बड़ी स्मूथली चलेंगी। ये एक कॉन्सेप्ट है बाल विद्यालय का। बाल विद्यालय के चलाने के विषय में, रजिस्ट्रेशन के बाद उसके अप्रूवल के विषय में, स्कूल ड्रेस, स्टेशनरी, इन सब के बारे में भी हम डिटेल चर्चा करते हैं। हम एक चीज इसमें और ऐड करते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं 5940 रुपए का, आपका अप्रूवल हो जाता है। अप्रूवल हो जाने के बाद से लेकर आपके बाल विद्यालय में किसी भी क्वेश्चंस, किसी भी क्वेरीज को रिजॉल्व करने तक मैं आपके साथ रहता हूँ। मेरी सेंट्रल टीम इस काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है। किसी भी क्वेरीज को लेकर हम आपके सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार बैठे हुए। मैं अब तक मैं ये एक दृश्य आपको और बताते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में हम 600 बाल विद्यालय के साथ रन कर रहे हैं। हम इसको इसी फाइनेंशियल ईयर में, हम आगामी 2 से 3 महीने में हमको हम 1000 बाल विद्यालय देख सोच रहे हैं कि हम 1000 बाल विद्यालय हम यूपी में करेंगे। तो उसमें आपके सहयोग की जरूरत है। कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन रेज करिएगा, आप मुझसे बात करिएगा, हम उन सारे सवालों का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बाल विद्यालय के कॉन्सेप्ट पर जो भी क्वेरीज हो उसको रिजॉल्व कर पाए। तो ये दो चीजें थी, आप हमारा 5940 रुपए में आपको क्या क्या चीजें सुविधाएं मिल रही हैं और हमारे बाल विद्यालय का भविष्य क्या है, एक दो चीजों पर हमने विषय बात की है। अजय सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। अच्छा, बाल विद्यालय CSE एकेडमी की तरफ से स्पॉन्सर्ड किया गया है। बाल विद्यालय हम डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का भी सपना है कि हम डिजिटल इंडिया का, तो हम डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। हम नर्सरी से लेकर जो हमारे प्राइमरी स्कूल होते हैं, क्लास फर्स्ट से पहले, इसे आप किड्स स्कूल भी बोल सकते हैं, वहां तक के बच्चों को पढ़ाने की हम अनुमति देते हैं। हम आपको टूल्स प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको मार्गदर्शन देते हैं कि आप अगर बाल विद्यालय खोलने के इच्छुक हैं, यदि आपके पास स्कोप है, आप इस समय जहां पर जनपद के जिस जगह पर हैं, यदि आपके पास स्पेस है और वहां पर आप इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या इस फील्ड में काम करने की इच्छुक, तो आपका स्वागत। आप बाल विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कराइए, अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों को जो अभी स्कूल में नहीं जा रहे हैं वो आपके यहाँ से आकर सीखेंगे और उनको डिजिटल एजुकेट किया जाएगा। ये डिजिटल एजुकेट में हमारे कई चीजें एक साथ चल रही हैं, जैसे इसमें हमने एप्लीकेशंस बना रखे हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारी IIT दिल्ली के माध्यम से ये एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन भी है, जिसमें हमारे कुछ VLDs तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ अभी धीरे धीरे उस लेवल तक आ रहे हैं। अभी हमने इसी चीज को देखते हुए, हमारे जो बाल विद्यालय बहुत एक्टिव थे, काम कर रहे थे, उनको हमने अभी टेबलेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसकी भी जानकारी आपको होगी। तो जो भी बाल विद्यालय अच्छा काम करेंगे हम उनको समय समय पर मोटिवेट करेंगे। बाल विद्यालय का कॉन्सेप्ट यह है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। अभी हमारा केवल क्लास फर्स्ट से पहले बच्चों को हम पढ़ाने का परमिशन देते हैं बाल विद्यालय में, उसके बाद का भी परमिशन हम नहीं देते हैं क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन बाल विद्यालय का कॉन्सेप्ट बच्चों को डिजिटल एजुकेट करने का है। अगर आप कर रहे हैं आसपास तो आप आइए, अगर करने के इच्छुक हैं तो आप बाल विद्यालय में रजिस्ट्रेशन कराइए, ये इसका कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही थी, तुम्हारे माइक ऑन था तुम्हारा, सॉरी मैंने अभी अपनी माइक ऑन नहीं किया हुआ था, फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ। ठीक है, मैं सॉरी मेरा माइक ऑफ था उस समय। हम बात करते हैं IIBF के बारे में। IIBF हमारे ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसके माध्यम से भारत सरकार ने जो वित्तीय व्यवस्था में काम करने वाली जो नियामक संस्था है, एक तरीके से जो लोगों को एक प्रमाणित करती है कि आप इस वित्तीय कार्य को करने के लिए, वित्तीय व्यवस्था में जो हमारा कार्य है उसको करने के लिए आप अधिक आपके पास उतनी योग्यता है कि नहीं, तो इस योग्यता को देने के लिए IIBF की एक सर्टिफिकेशन होती है।
यानी कि किसी भी प्रकार की बीसीबीएफ और इस तरीके की कोई भी सर्टिफिकेशन, कोई भी प्रोग्राम आदमी को करना होता है, चाहे बैंकिंग में नौकरी करनी हो या कुछ भी, ऐसे में आईएबीएफ सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, आधार के लिए एक एनएससीआईटीए सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी होता है, हाँ सीफी सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, आपका बीमा में काम करने के लिए, इंश्योरेंस में काम करने के लिए आपको आईआरडीए का सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। उसी तरह से ये आईआईबीएफ बैंकिंग क्षेत्र में काम करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे बीएफबीसी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी एसबीआई में काम, अगर आपकी जॉब यहाँ से आ जाता हूँ तो ऐसी कंडीशन में ये सर्टिफिकेशन के लिए सीएससी और आईआईबीएफ के बीच में एक अनुबंध हुआ कि सीएससी, चूंकि देखिए सीएससी आप लोगों के जरिए हर गांव क्षेत्र में पहुंच बना रखी है, तो सीएससी में आप सीएससी के माध्यम से आप जब लोग वहां पे अपने क्षेत्र में वहां पे चारों तरफ आपका जब सेटअप है तो वहां के स्थानीय लोगों को आप आईआईबीएफ में पंजीकृत भी कर सकते हैं और उनका एग्जाम सेंटर भी आपके नजदीकी सीएससी एकेडमी सेंटर पे एग्जाम जा सकते, तो ये अच्छी बात है हर वो बीएलई के लिए जो बीएलई है वो आईआईबीएफ में किसी भी कैंडिडेट का पंजीकरण कर सकता है और अपने नजदीकी सीएससी एकेडमी पर जाकर के उसको एग्जाम सेंटर के रूप में चयन कर सकता है और वहीं पे उसका एग्जाम हो जाए। पहले ये व्यवस्था थी कि 400-500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर हुआ करते थे, लोग जाकर के एग्जाम देते। आज भी भूले भटके लोग कभी राजस्थान से इधर आ जाते हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, जिनको अभी जानकारी नहीं है तो ऐसा वो बताते भी हैं। तो ऐसा था, लेकिन अभी सीएससी की वजह से, आप लोगों की वजह से ये अपने लोकल क्षेत्र में ही हो गया, तो ये अच्छी बात है। तो ये हमारे पास अपना एग्जाम सेंटर है और सीएससी बीएलई के माध्यम से हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। और अव्वल तो हर बीएलई को ये रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि हर बीएलई को आने वाले दिनों में बैंक ऑफर की जा रही है, बीसी ऑफर की जा रही है, धीरे धीरे करके सारे बीएलई बैंक की तरफ, करस्पॉन्डेंस की तरफ चेंज होने वाला, तो ये होना जरूरी है उनके लिए भी। उसके अलावा जितने आपके इंडियन पोस्टल सर्विस वाले, आजकल इंडियन पोस्टल सर्विस वाले बैंकिंग सर्विस में लग रहे हैं, जो पोस्ट ऑफिस खुल रही है गांव-गांव क्षेत्र में, उसके अलावा बैंक के खुद के अपने बीसीबीएफ हैं, उनके अलग अलग नेटवर्क चैनल हैं, लेकिन हर चैनल और नेटवर्क के लिए ये आईएबीएफ की सर्विस देने के लिए सीएससी ही है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए और अपना सेंटर बेहतर ढंग से मेंटेन रखिए, सेंटर और प्लस लोगों को आवेदन, यानी कि हर सीएससी के सेंटर पे अगर ये लिखवा दिया जाए कि हमारे यहाँ आईआईबीएफ का पंजीकरण किया जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का पंजीकरण किया जाता है, तो ये कोई बुरा नहीं होगा। यहाँ मैं देखता हूँ कि बीएलई सिर्फ अपना पंजीकरण कर लेते हैं, उसके बाद किसी दूसरे के बारे में ना अप्रोच करते हैं ना मतलब रखते हैं, जबकि ये एक सर्विस है, सिर्फ आप ही को पंजीकरण नहीं होना है, आपके अड़ोस पड़ोस में बगल में कोई कोचिंग सेंटर चल रहा है, वहाँ एसएससी के लड़के बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो कल को बैंक में जब नौकरी लगेगी तो फिर जाके आईएबीएफ ही तो करना ही पड़ेगा उनको, तो ऐसे में आप उनको पहले ही दे दो अपनी इसकी सर्टिफिकेशन। तो ये एक हो गया। तो मैंने बताया आईएबीएफ एग्जाम सेंटर हमारे सीएससी एकेडमी पे होता है, ऐसे सीएससी एकेडमी सेंटर जो अपनी कंसेंट, एक मोबाइल ऐप है जिसके जरिए वो कंसेंट देते हैं, तब उनको हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं। ऑनबोर्ड होने के लिए जरूरी है कि वो आईएबीएफ में कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए, दूसरा चीज उसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमी के मानक के अनुसार होना चाहिए, तीसरी चीज कि वो सेंटर किसी प्रकार का, मतलब मैंने बोला है कि ब्लैकलिस्ट वाली जो बात, कि वो किसी प्रकार की कदाचार में लिप्त ना हो। कई बार कुछ एकेडमी सेंटरों के खिलाफ शिकायतें आती हैं, उनको हमें बंद करना पड़ता है, और ग्राउंड पे जो बताए गए एड्रेस है वहाँ होना चाहिए। तो ऐसे सेंटर्स को हम लोग ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग कर देते हैं, वो पोर्टल पे दिखने लगता है। दूसरी चीज बात करते हैं एग्जाम के लिए जो सिस्टम होता है, सोमवार से लेकर के शुक्रवार, शनिवार रविवार दो दिन ऑफ रहता है, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक एग्जाम का समय होता है। अच्छी बात होती है कि आईआईबीएफ सीएससी से करने पर आपको सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी कैंडिडेट पहुंचेगा, उसका एग्जाम होगा। जैसे मान लो एग्जाम का टाइम सुबह 12:30 बजे से है और बच्चा 4 बजे पहुंच, 3:30 बजे पहुंच रहा है, तो एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि उसमें सीएससी को इतनी छूट मिली हुई। साथ में इसका जो पासिंग मार्क है वो 40 नंबर, ये भी ध्यान रख लें कि 40 नंबर पासिंग मार्क है, तो कैंडिडेट हमारे यहाँ से ये 40 नंबर पे पास हो, ठीक है।
अब आगे की पॉइंट पे आते हैं, सीएससी एकेडमी के बारे में। सीएससी एकेडमी के लिए जो न्यूनतम 15 कंप्यूटर की अवस्थापना होनी चाहिए, 800 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए और उनके पास कम से कम 15 कंप्यूटर, 30 लोगों के बैठने की क्लासरूम और सीएससी की बाकी सर्विसेज जो एजुकेशन की हैं उसमें उनको ट्रांजेक्टिंग होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, बढ़ करके वो उसमें हिस्सा लें और लोगों का मदद करें काम का। ठीक है सज्जाद, अब मोटा मोटी तो हमने बात कर ली, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लेते हैं हम लोग, फिर बात को उसी हिसाब से क्रम में आगे बढ़ाते हैं। एक भाई है, मैं शो करता हूँ पैनल पे, यहाँ शो हो रहा है कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, कब तक अप्रूव हो जाएगा? मुझे लग रहा है कि आपने नाइलेट सर्कुलेशन सेंटर के बारे में पूछा है, तो इसमें बताना है कि ये रजिस्ट्रेशन आप लोगों का डेटा अब नाइलेट को भेजा जा चुका है, मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर में आप लोगों को इसके बारे में क्रेडेंशियल आ जाएगा। और रही सवाल 5 कैंडिडेट को रजिस्टर करने की, तो उसके लिए अब पूरे 1 महीने बढ़ा दिए हैं। अगर आगे एक सवाल है सर का कि मैं सर नाइलेट सेंटर लिया था, 23 को रजिस्ट्रेशन किए हूँ, अभी तक नाइलेट सेंटर का लॉगिन पासवर्ड नहीं आया। खैर इसका उत्तर यही है, बाल विद्यालय के बारे में एक साहब पूछ रहे हैं, बाल विद्यालय क्या है? तो रवि जायसवाल जी आपको बता दिया गया कि बाल विद्यालय क्या है। एक साहब ने पूछा IIBF एग्जाम सेंटर कैसे मिलेगा, कृपया सुझाव करने की कृपा करें। एक कार्तिकेय शुक्ला जी, जो अभी मैंने बताया कि आपके पास सीएससी एकेडमी होना चाहिए मानक के अनुसार, और सीएससी एकेडमी ऐप के जरिए आप उसको अपडेट करिए। डेटा अभी नया अनबोर्ड होने जा रहा है, नेक्स्ट वीक में नया डेटा अनबोर्ड होने जाएगा, ऐसे में अगर आप उसमें मानक के अनुसार होंगे तो आपको निश्चित दे दिया जाएगा। भारत सेवा फाउंडेशन बोल रहे हैं कि डियर सर, बाल विद्यालय अभी तक चालू नहीं किया है, चालू नहीं किया है। फिर आगे पूछते हैं, पिछले साल बाल विद्यालय मिला था लेकिन इस वर्ष से नया बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। सज्जाद जरा इनको बताइए, डियर सर सीएससी बाल विद्यालय अभी तक चालू नहीं है किया है, और पिछले साल बाल विद्यालय लिया था लेकिन इस साल इस वर्ष नया बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, तो इनके लिए क्या गाइडलाइन है? आप अपनी डिटेलिंग कर दें या तो ये आपसे डायरेक्ट संपर्क कर लें। एक चीज मैं आपको बता दूं, साल हमारे बाल विद्यालय और जो बाल विद्यालय एक्टिव है आगे काम कर रहे हैं उनको जब भी नए पोर्टल का उनको लॉग इन मिलेगा वो अपनी डिटेल ऐड करेंगे, हम उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे जो लोग इसमें काम करेंगे। ऐसे बाल विद्यालय जो काम करने की ठीक है, एक साहब का और सवाल है सज्जाद, मेरी आवाज जा रही है वहां तक? हाँ, उसमें है कि ये आपको सामने दिखेगा भी महोदय, इस संबंध में आप ये डेटा इन्होंने दिया है, वो डेटा अपने पास आ जाएगा, बाकी इनको बोलिए बाल विद्यालय रजिस्टर करें। मैं आपका डिटेल यहाँ पर, आप ना उनका मोबाइल नंबर भी मेंशन करेंगे, मैं उनका मोबाइल नंबर सेव कर लेता हूँ, मैं उनको कॉल बैक करूंगा, जिनका भी ये रजिस्ट्रेशन का और ये टेस्ट का सर्टिफिकेट है आपने जो इशू किया है सर। कार्तिकेय शुक्ला जी आप मैसेज करके सज्जाद हुसैन को मैसेज कर दीजिए या मुझे SMS कर दीजिएगा, हम इसका समाधान करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ किसी का सवाल है, रैप का एग्जाम दिया था बट पोर्टल में क्लिक करने पर ऑप्शन नहीं आ रहा। सर आप अपनी, धीरज राजपूत जी आप अपनी डिटेल हमको भेज दीजिएगा, मैं दिखवाता हूँ, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप लोग चैट अपना मैसेज करते रहे क्योंकि मैसेज की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके। रवि जायसवाल जी, सीएससी एकेडमी के बारे में मैंने बताया है कि सीएससी एकेडमी क्या है। देखिए साहब, आपने लिखा है कि 2016 में नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर लिया है, मैं फैजान बेग के बारे में बात कर रहा हूँ कि 2016 में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अब रजिस्ट्रेशन करना है नहीं हो रहा है। देखिए रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन में नहीं होगा, ये फ्रेश BLE के लिए है, चूंकि आपका रिन्यूअल ही होगा, आपके लिए स्कीम नहीं है और ये नहीं हो पाएगा क्योंकि नाइलेट का ये कंडीशन यही है, तो ऐसे में आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलने वाला। एक अरविंद कुमार जी पूछ रहे हैं, बाल विद्यालय रिन्यूअल भी होगा क्या? बिल्कुल, वो 5900 रुपए 5940 रुपए की जो बात हो रही है, बाल विद्यालय सालाना आपको
5940 रुपए के साथ रिन्यूअल होगा, क्योंकि सालाना आपको जो वेबसाइट मेंटेनेंस और बाकी सपोर्ट जो है सीएससी की तरफ से होगा, बाकी आपको सेंटर आपको मैनेज करना होगा खुद से। ज्ञानटेक कंप्यूटर एजुकेशन साहब, आपका कहना है कि पासवर्ड कब तक आएगा? एक सप्ताह अधिकतम और लगने की उम्मीद है। नाइलेट के हेड में चला गया है, आप लोगों का सूचना। वैसे ही है सर, मैंने पहले नाइलेट, ये मनीष प्रसाद जी हैं सर, मैंने बहुत पहले नाइलेट का रजिस्ट्रेशन किया था 2016 में, क्या दोबारा हो सकता है? तो नहीं साहब, दोबारा नहीं होगा, आपको रिन्यू करना पड़ेगा। देखिए, एक साहब का प्रेम वीर यादव जी हैं सर, हमारे ब्लॉक में पहले से ही आईआईबीएफ सेंटर है, क्या हमारे ब्लॉक में दूसरा आईआईबीएफ सेंटर मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, आप अच्छा सेंटर लगाइए, आवेदन करिए, हमें संपर्क करिए, सेंटर अप्रूव कराएंगे, ठीक है? यहाँ सीएससी एकेडमी की बात हो रही है, नाइलेट सेंटर, आईआईबीएफ सेंटर, देखिए एक बार ब्लैकलिस्ट होने के बाद दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आईआईबीएफ सेंटर के नाम पे अगर आप जुड़ रहे हैं तो बेहतर कोशिश करिए कि अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए, अच्छा काम करिएगा। एक साल से आईआरसीटीसी की आईडी का पेमेंट नहीं आया, एक साहब हैं, इनका सवाल है राजेश जी का। राजेश जी, आप हमें हमारे नंबर पे अपनी डिटेलिंग कर दीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि इस संबंध में आपको अपडेट ले सकूं। चला देंगे जब हमारा कोई भी बाल विद्यालय में रजिस्ट्रेशन करता है, आपके रजिस्ट्रेशन की सूचना हमको आ जाती है, और जैसे ही आपका बाल विद्यालय अप्रूव होता है, आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाता है। मेरे लेवल से यूपी का अपना ग्रुप है, उस पे जोड़ा जाता है, सेंट्रल टीम से वो अपना उनका ग्रुप वो जोड़ा जाता है। एक्चुअली अभी प्राइमरी सिचुएशन यही है कि हमें आपके काम की मॉनिटरिंग करने का जो सबसे बेहतर टूल है वो इस समय व्हाट्सएप ग्रुप ही है। अब भाई बाल विद्यालय चलाने के बारे में, हम सारे नए अप्रूव्ड बाल विद्यालय की ट्रेनिंग करते हैं, हमारी सेंट्रल टीम में युवेक सर हैं, उनके माध्यम से नए बाल विद्यालय की ट्रेनिंग होती है कि बाल विद्यालय चलाया कैसे जाएगा, या एमएस पोर्टल पर आप बच्चों की डिटेल कैसे ऐड करोगे, या जो नया पोर्टल अब आने वाला है जिसके लिए आपके रजिस्ट्रेशन की फीस को थोड़ा इंक्रीज किया गया है, उस नए पोर्टल के बारे में भी आपको डिटेल की जानकारी दी जाएगी, उसका जो प्रोसेस है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन हुई हैं, उसका आपका एक्सेस कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल जानकारी वहां से आपको मिलेगी। और बाल विद्यालय चलाने के लिए आपको उसके जो आईआईटी दिल्ली के माध्यम से एप्लीकेशन बनाए गए हैं खासकर बाल विद्यालय के लिए, उसको चलाने के लिए इन सब की हम ट्रेनिंग करते हैं, उन ट्रेनिंग के माध्यम से हम सारे नए बाल विद्यालय को बताते हैं कि आप बाल विद्यालय कैसे चलाएंगे। ये इसके लिए आप बाल विद्यालय को लेकर निश्चिंत रहें, मैं यूपी में इसको लीड कर रहा हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाल विद्यालय के संबंध में बहुत कम क्वेश्चन या कोई क्वेरीज ग्राउंड पर अकेला रहने दूं, अन्यथा जितने भी बाल विद्यालय आज की डेट में यूपी में है, मैक्सिमम लोगों से मैंने बात किया है और मैक्सिमम मेरे जॉब से या मेरे जो भी मैंने उनको सहयोग किया उससे सेटिस्फाइड होंगे। अगर आप भी बाल विद्यालय के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे संपर्क में रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज करेंगे और ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसमें हम आपको पूरी सुविधाएं देंगे, आपके किसी भी क्वेश्चन को जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। अभी किसी साहब ने मेरा नंबर मैंने मांगा था, मैंने नीचे अपना नंबर स्क्रॉल करा दिया है, नंबर मेरा नीचे स्क्रॉलिंग में है। सर, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट के लिए क्या बोला था आपने? आवाज नहीं हो रही। न्यू रजिस्ट्रेशन, मेरे समझ से आप नाइलेट के बारे में बात कर रहे होंगे, तो नाइलेट के लिए बात कर रहे हैं, तो नाइलेट में न्यू रजिस्ट्रेशन तो अभी 30 अप्रैल तक के लिए है, और आईआईबीएफ के लिए बात कर रहे होंगे, तो आईआईबीएफ में न्यू रजिस्ट्रेशन का अभिप्राय ये है कि हर बीएलई आईआईबीएफ में कैंडिडेट को रजिस्टर कर सकता है, और आप लोग भी सबको प्रमोट करिए, नए रजिस्ट्रेशन कराइए बच्चों के। जरा नवल को एक सेकंड के लिए बुला लाओगे? एक नवल से संबंधित सवाल आ रहा है, तो वो भी बैठे बैठे जवाब दे दें कुछ, मुझे लग रहा। तो कर सकते हो, कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने भेजा है, ये मेरा कॉल नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों है। नाइलेट रजिस्ट्रेशन का आईडी आएगी कब तक? तो वो मैंने बता दिया साहब कि एक हफ्ते का और वक्त लग सकता है। धीरज जी एक साहब है, इनका सवाल है बाल विद्यालय लिए साल रिन्यूअल चार्ज लगेगा। सुधीर जी आपका सवाल है, बाल विद्यालय के लिए हर साल रिन्यूअल चार्ज लगेगा? बिल्कुल सुधीर जी, हर साल चार्ज देना होगा। विनय गुप्ता जी पूछते हैं कि सर
पिछले साल बाल विद्यालय लिया था लिया लेकिन इस साल से रजिस्ट्रेशन करना है। करिए करिए शुरू करिए, क्योंकि देखिए आप लोग काम करेंगे तो हम लोग को भी उत्साह बढ़ेगा, हम लोग भी आप लोगों को जहाँ होगा एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आपका सीएससी से बैंक बीसी लिया था, बैंक में अप्रूवल नहीं आ रहा है, कितने दिनों से अप्रूवल मिलेगा? धीरज राजपूत जी, बैंकिंग के संबंध में तो थोड़ा ये सेशन आज नहीं है, इसलिए हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। बता दें नवल, एक यूसीएल का कुछ सवाल था, नवल है कहाँ? ये सवाल है, मैं है यूसीएल में फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट कभी शुरू होगा या नहीं? महेश प्रसाद सर, नवल जी कैमरा ऑन कर रहे थे कि सर, हाँ ये सामने क्वेरी खुली हुई है कि यूसीएल सीएससी में यूसीएल फोटो एंड बायोमेट्रिक अपडेट कभी शुरू होगा या नहीं? सर कोई है ये महेश प्रसाद, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूसीएल एक अलग सॉफ्टवेयर है, उसकी अलग स्पेसिफिकेशन है, तो वो हमें अलाउ नहीं किया है। हमारा जो ओएम साइन है केवल डेमोग्राफिक अपडेट के लिए है, यूआईडीआई द्वारा हमको जो अधिकृत किया गया है केवल डेमोग्राफिक अपडेट सर्विस की जो सर्विसेज है उनके लिए ही किया गया है। ओके ओके, थैंक यू नवल जी। महेश जी यहाँ स्पष्ट कर दिया है, हमारे जो इस पूरे विभाग को यहाँ पे लीड करते हैं नवल शर्मा जी, कि सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट ही हमें अधिकृत किया गया है, वो सर्विस आपके अभी सीएससी के साथ चालू नहीं है। सौरभ के शर्वानी जी पूछ रहे हैं कि सीएससी बाल विद्यालय के लिए स्कूल होना जरूरी है? मैं बोल देता हूँ सर, बता दें इसके लिए आपका स्कूल होना जरूरी नहीं है, आपके पास स्पेस होना जरूरी है। स्कूल और स्पेस में फर्क है, क्योंकि मेरा ये मानना है और हमारी सेंट्रल टीम का भी ये मानना है कि जब भी कोई नया बीएलबी बाल विद्यालय खोलने जा रहा है तो कैमरा ऑन कर लो, जब कोई नया बीएलबी हमारा बाल विद्यालय खोलने जा रहा है तो जरूरी नहीं उसके पास ऑलरेडी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका बाल विद्यालय पहले से चल रहा हो, स्कूल बना हो, टेबल कुर्सी मेज सारी चीजें व्यवस्था हो, ऐसा नहीं है। आपके पास स्पेस है, आपके पास आपका घर है जिसमें आपका एक या दो कमरा खाली है जिसे आप बाल विद्यालय में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपकी दुकान है या पास कोई जगह है जहाँ पर आप बाल विद्यालय खोलना चाहते हैं, अभी वो एकदम रॉ मटेरियल की तरीके से, तो भी हम आपका बाल विद्यालय अप्रूव कर देंगे ये मानकर कि भविष्य में आप इनको चलाएंगे। और एक समय के बाद जब आपका रिन्यूअल प्रोसेस होगा, आप बाल विद्यालय नहीं चलाओगे तो रिन्यूअल नहीं करोगे तो हमारे पास से संख्या वैसे भी कम हो जाएगी कि बाल विद्यालय नहीं चलाना चाहते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन उस वक्त कर लिया था लेकिन अब नहीं चला रहे हैं, तो वो जब रिन्यूअल में बाहर निकल जाएंगे तो हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग बचेंगे जो सिर्फ बाल विद्यालय चलाना चाहते हैं। ये आपके स्पेस है तो आप चला सकते हैं, ही इन पांच कैंडिडेट का करेंगे, ये पांच कैंडिडेट अपना सुरक्षित रखिए, आपकी आईडी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को मिल जाएगी, मिलते ही आप लोग उसमें कैंडिडेट को रजिस्टर कर देना। एक साहब हैं शशिकांत गौतम जी, पूछते हैं सीएससी एकेडमी के लिए क्या करना होगा? तो जी सीएससी एकेडमी, जैसे अभी बाल विद्यालय की बात हुई तो बाल विद्यालय छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सीएससी ने एक कॉन्सेप्ट लेके आए बाल विद्यालय, उसी तरह से नन्हे बच्चों से थोड़े बड़े बच्चे और काफी हायर तक यानी कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक की एजुकेशन की सामग्री जो मिलती है वो बाल विद्यालय सीएससी एकेडमी पे होती है। सीएससी एकेडमी एक मिडिल से लेकर के अपर तक के बच्चों के लिए है, इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अगर बात करें तो सीएससी एकेडमी में, मैं अब कुछ ब्रांड का नाम ले रहा हूं तो आप समझना कि सीएससी एकेडमी कितनी बड़ी बात होगी। सीएससी एकेडमी अपने आप में, आपने आईआईटी मुंबई का नाम सुना हो, आईएसबी हैदराबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हैदराबाद का, आईएमएस गाजियाबाद, नाइलेट, एनआईओएस जो नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल ओपन स्कूलिंग जो है ये एनआईओएस हो गया, उसके अलावा बोस्टन, बोस्टन यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लंदन बेस्ड है। ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज हैं, पैकेजेस हैं, वो सीएससी एकेडमी के माध्यम से आप लोगों तक जा रहे हैं। अगर बात करें तो सीएससी एकेडमी में करीब करीब 40 से 50 कोर्सेज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। अभी हम इस तरह से चर्चा पर चर्चा करते हुए हम डिटेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बताना जरूर है, इसी आज की मुलाकात श्रृंखला में अगर पीछे जाके देखेंगे तो एकेडमी के बारे में विस्तृत चर्चा की गई, कैसे एकेडमी लिया जाए, क्या किया जाए, इसमें क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, तो आप लोग उसको थोड़ा सा ब्रीफ करो। एक सेंटर के स्पेसिफिकेशन होती है, 800 वर्ग फीट में आपका क्षेत्रफल होना चाहिए जहाँ पे आपका सेंटर हो, एक लैब हो, एक थ्योरी क्लास हो, अच्छे टीचर हो,
रिसेप्शन डेस्क हो, है ना, और चीजों को एक प्रोफेशनल वेल प्रोफेशनल ढंग का इंस्टीट्यूट हो, हम आपको अपने इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग, आपकी ऑथराइजेशन देंगे, आप इंस्टीट्यूट आगे बढ़ाइए, शुरू करिए, ठीक है। एक साहब हैं, आयुष्मान BIS 2 पोर्टल पर मेरे ID एक्टिव नहीं हुई है। देखिए, इसमें ID एक्टिव में डिले तो थोड़ा हो रहा है, और ये मिशन के लेवल पे है, जो इनकी मिशन है, जहाँ मतलब एक तो यूँ बोले कि गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से डिले हो रहा है, धीरे धीरे करके ID दे रहा है। हाँ, महेश प्रसाद जी पूछते हैं NILET का रिन्यूअल कैसे होगा। देखिए, रिन्यूअल करने से पहले महेश प्रसाद जी यहाँ बताना चाहेंगे कि रिन्यूअल करने से पहले सबसे पहले क्या करना होता है कि NILET एक आपका ऑथराइजेशन चेक करती है कि क्या आपको NILET दोबारा से रिन्यूअल करने के लिए आप स्टेज में हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें भी एक ऑप्शन लगा हुआ है कि महीने के या साल के इतने रजिस्ट्रेशन अगर आपने CCC या BCC में नहीं किया है तो फिर NILET आपको कंटिन्यू नहीं करेगा। जैसे कि आपने ID लिया पूरे 3 साल में, 1 साल में आपने 15 रजिस्ट्रेशन किए, NILET आपका रिन्यूअल नहीं कराएगा। तो वो हम लोग उसको चेक कराते हैं, NILET को भेजते हैं। तो आप रिन्यूअल के लिए हमारे पास अपना रिक्वेस्ट डालिए कि सर हम NILET से रिन्यूअल कराना चाहते हैं, CSE के साथ हमारा ये रजिस्ट्रेशन था। उस रजिस्ट्रेशन के आधार पे जब NILET हमें गो अहेड करेगा कि ठीक है, तो आपको ₹5,000 NILET के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करने हैं, हाँ, जो आपको मेल से नोटिफिकेशन आ जाए, उसमें ₹5,000 जब आप ट्रांसफर करेंगे तो NILET आपको रिन्यूअल का फॉर्मेट देगी, वो फॉर्म डिटेल भर के आप NILET के साथ शुरुआत कर सकते। एक साहब है, HDFC डिजिटल विलेज से कोई एजुकेशन पोर्टल से बेनिफिट नहीं होता है। भाई साहब, जब HDFC का डिजिटल से विलेज मिल गया आपको, डिजिटल विलेज मिल गया, तो बेनिफिट का क्या करना है, बेनिफिट आप करिए ना। बहुत सारे तो सब कोर्सेज हैं, मतलब सारी चीजें बेनिफिट वाला, मतलब सारी चीजें मुफ्त में हो तो उसको बेनिफिट मानोगे आप, ऐसा नहीं होता, काम करिए। इकबाल अहमद जी, आपने लिखा कि सर जी मुझे NILET सेंटर अप्लाई करना है, तो आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाइए, पोर्टल पे जा करके NILET जहां टाइप करेंगे तो NILET कोर्स ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर, दो चीजें आएगी, फैसिलिटेशन सेंटर पे क्लिक करिएगा। इस समय 1200 का कोर्स स्पेशल ऑफर चल रहा है। राजेश कुमार जी, आप मेरा नंबर मांग रहे हैं, मैं नंबर ऑलरेडी नीचे क्रॉल करा चुका हूं, फिर से बैनर में मैं नीचे अपना नंबर चला दे रहा हूं, जिसको मेरा नंबर लेना है ले ले, व्हाट्सएप के जरिए हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। यूशियल शुरू होंगे कि आप प्लीज, हम बाल विद्यालय स्टेम कर रहे, फिर पेमेंट के समय एरर हो गया। सज्जाद जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कैमरा ऑन करिए। अच्छा, हम आपके क्वेश्चन से समझ गए, आपने रजिस्ट्रेशन किया था, पेमेंट करते समय पेमेंट नहीं कटा, आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसे कंडीशन में आप अपना दोबारा जो रजिस्ट्रेशन करें उसमें मोबाइल नंबर और मेल आईडी चेंज कर दें, कोई दूसरी मोबाइल नंबर या दूसरा मेल आईडी उसमें डालकर फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करें, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये कोई समस्या नहीं है। आपको अपना डिटेल चेंज कर दीजिए, जिसमें मोबाइल नंबर और मेल आईडी मैंडेटरी है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करिए, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन आप पेमेंट कर सकते, और आपका मैं 48 घंटे के अंदर अप्रूव करा दूंगा। अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन किया है तो परसों आपका अप्रूव हो जाएगा, परसों तक या उससे पहले। थोड़ा हम क्षमा चाहेंगे, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, इस वजह से रिसेंटली मैं, चलिए कोई नहीं, बताते हैं अभी आगे। एक क्वेश्चन है कि संतोष कुमार जी पूछते हैं, सौरभ कुमार माथुर जी, सर मेरा NILET सेंटर रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष हो गया, पूरा हो गया, अब दोबारा रिन्यू कैसे होगा? सर आप अपनी डिटेल के साथ हमें मेल करें, वही चीज रिन्यूअल के लिए आप ऑथराइज है कि नहीं इसकी सूचना लेकर के NILET को हम भेज देंगे, आपको चला जाएगा, और आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन, आपको रिन्यू करना है नहीं करना है इस संबंध में आपको खबर आ जाएगी, ठीक है। जब खबर आएगी तो आप 5,000 का रिन्यू फीस करके आप कंटिन्यू कर लेंगे। बहुत अच्छा सवाल, एक अरुण त्रिपाठी जी का कहना है कि CSE अकेडमी में BCC का सेल्फ असेसमेंट और एग्जाम सेंटर पर हो जाता है, NILET के लिए BCC एग्जाम सेंटर कैसे? NILET क्या लिखा है हो जाता है, NILET में रजिस्ट्रेशन BCC स्टूडेंट का एग्जाम कैसे होगा? देखिए, हमारे यहाँ दो तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है BCC में, एक तो CSE अकेडमी का BCC होता है और एक NILET का BCC होता है। NILET का BCC और CCC का जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन तो हम करते हैं, प्रशिक्षण हम कराते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए हमें एग्जाम सेंटर पे जाना होता है जो NILET द्वारा अधिकृत होता है। अभी आप लोग अच्छा काम करिए,
अभी नाइलेट ने ढेर सारे सेंटर अभी हमको अथराइज किए, आप लोगों का अच्छा गुड वर्क होगा, अच्छा काम होगा, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन गांव गांव के अंदर से आप जब बच्चों को रजिस्ट्रेशन निकाल के आप लोग लाओगे, तो एक वक्त आएगा कि नाइलेट भी मजबूर होगा इस बात से कि सीएससी बीएलई के माध्यम से ही आप लोगों का एग्जाम भी कराया जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई सुविधा है नहीं। सज्जाद, जो लिंक मैंने आपको भेजा था ना उनको भी भेज दो, तो नवल को एक नवल का सवाल आया है उसी से नवल खुद जुड़ जाएंगे। सर, जिनका एक यूसीएल एक वर्ष के लिए सस्पेंड हुआ था, उनका एक ईयर कंप्लीट हो गया है, और कब तक दोबारा चालू होगा यूसीएल? ठीक है, इसमें देखता हूँ कि यूसीएल वाले साहब अगर आ जाते हैं तो मैं बात करूँ। एक साहब का कहना है कि सर अनिल कुमार, अनिल गुप्ता जी हैं सर, आइए सवाल है, करेंगे तो उनको उनको लिंक दे दो जो तुमने, हाँ जुड़ने को बोल दो, जुड़ जाए आ जाए। अच्छा अच्छा नवल जी, सवाल आया है अभी जैसा कि सज्जाद बता रहे थे, ये कुछ भी ये पूछ रहे हैं कि जिनका बिल्कुल एक साल पहले बंद हो गया था। देखो ये सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि एक साल पहले उनका एक साल के लिए सस्पेंड किया गया था, अब एक साल उनका पूरा हो गया तो क्या दोबारा चालू हो जाएगा? ऐसे सभी वीएलई, ये क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल है, मैं जनरल बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या है। ऐसे सभी वीएलई जिनका सस्पेंशन पीरियड ओवर हो गया है, मतलब वो एक साल के लिए थे या तीन महीने के लिए थे, जो टाइम पीरियड था उनकी समय अवधि अगर वो सस्पेंशन की पूरी हो चुकी है, तो उसमें दो कंडीशन है, वो अपने आप को ये चेक करें कि क्या प्रेजेंट टाइम में वो एक्टिव बीसी हैं, मतलब बैंक बीसी उनके पास अब प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे यूसीएल भाई थे जो कि आईसीआईसीआई के साथ काम कर रहे थे, अब चूंकि आईसीआईसीआई जो है हमारे साथ काम नहीं कर रहा है, तो वो हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में उनके पास बीसी नहीं है, तो पहली कंडीशन तो ये कि प्रेजेंट टाइम में उनके पास में ट्रांजेक्टिंग बीसी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं है तो वो बीसी के लिए पहले प्रयास करेंगे, फिर यूसीएल के लिए सोचेंगे। दूसरी चीज, डिजिटल सेवा पे भी वो ऑन एवरेज लगभग 50 ट्रांजेक्शन लगातार कर रहे हो, मतलब डिजिटल सेवा पे भी ट्रांजेक्टिंग हो और अपना यूसीएल पे भी ट्रांजेक्शन, इस पे बैंक बीसी पे भी ट्रांजेक्टिंग होने चाहिए। तीसरी चीज, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी करप्शन या फिर जो भी डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे पेनल्टी लगती है उससे संबंधित कोई पेनल्टी बकाया ना हो, तो ये कंडीशन अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो हम उनके बारे में सोचेंगे कि उनको दोबारा से एक्टिवेट कराया जा सकता है। अब कुछ भी यानी भाई का थोड़ा सा ये कहना होता है कि हमारा सब कुछ सही है, हमारा कर दीजिए, तो थोड़ा सा आप लोगों को पता है क्योंकि ये एक टारगेट बेस्ड प्रोजेक्ट है, लिमिटेशन है, हर किसी बीएलई को हम नहीं दे सकते, तो हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो है, जो टारगेट हमको यूआईडीआई से मिला हुआ है, तो ऑलमोस्ट वो कंप्लीटेड है। अब इनकेस इन फ्यूचर रिप्लेसमेंट होता है या कुछ बीएलई जो काम नहीं कर रहे हैं या जो सस्पेंड होते हैं, तो उसके अगेंस्ट में हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे बीएलई को हम तभी ले पाएंगे, क्योंकि जो सस्पेंशन हुआ था उनका, तो ये कोई कंडीशन नहीं कि उनको मिलेगा ही दोबारा यूसीएल, हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास में सीट्स अवेलेबल होंगी, हमारे पास में स्कोप होगा उनको देने का। जी, मेरा यही आंसर था इसका, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू नवल जी। मोहम्मद शरीफ जी बोल रहे हैं कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें जिस चौराहे पर सेंटर है वहीं पर डाले हैं जो मेरे ग्राम के अंतर्गत आता है, क्या वह गलत है? नहीं नहीं आपका सही है, ऐसा ही होना चाहिए कि जब नाइलेट कोई डाक भेजे आपको तो आप तक डाक पहुंच जाए। अच्छा, मैं आज के इस सेशन में एक देख पा रहा हूं कि हमारे पास मल्टीपल सवाल आ रहा है, ठीक है, तो मुझे इससे एक आइडिया लग रहा है कि आगे हम कुछ ऐसी चर्चा करें कि हर विभागों के विशेषज्ञों को, यानी कि जैसे कि अभी मैंने नवल शर्मा जी को भी जोड़ लिया, और जो विशेषज्ञ अगर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो आप लोगों के सवाल के, एक बीएलई के पास कई विशेषज्ञों के सवाल हो सकते हैं। अच्छी बात है, डाक मित्रा से डाक बुक किया किंतु पोस्ट ऑफिस में नहीं हो पा रहा है डीएम सर को। प्रकाश गुप्ता जी, इस संबंध में जो नीचे मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप डिटेल भेजिएगा, मैं आपको प्रॉपर सुझाव दूंगा कि कैसे इसको सही कर सकते हैं डाक मामले में, ठीक है। जयप्रकाश जी, एक हफ्ते के अंदर में आपकी रजिस्ट्रेशन की आईडी मिल जाएगी, नाइलेट की आईडी मिल जाएगी। अंजू गुप्ता जी, आपने लिखा कि आप ऑलरेडी बाल विद्यालय, क्या लिखा, ऑलरेडी हैव अ बाल विद्यालय, गिव मी फुल प्रोसेस ऑफ सीएससी एकेडमी। अंजू गुप्ता जी, आप इसी प्लेटफॉर्म पे पुरानी पोस्ट में जाएंगी तो सीएससी बाल विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी है, उसके अलावा यहाँ नीचे मेरा नंबर है, आप अलग से मुझसे बात कर लेना, कहीं कोई कंफ्यूजन डाउट होगा तो हम आपको बता देंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी पूरी जानकारी है।
आप सीएससी आवेदन करिए बाल विद्यालय के लिए, एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाके अपनी पूरी सूचना डालेंगी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जाकर के जांच रिपोर्ट लगाएगा, जांच रिपोर्ट को हमारे स्तर से जांच किया जाएगा, अनुमोदित किया जाएगा, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट बना करके आपको उसमें लगाने होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको बता देंगे। अरुण मौर्य जी लिखते हैं, सीएससी बाल विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाल विद्यालय का बैनर पहले ही लगाना है या अप्रूव होने के बाद? देखिए, हम बाल विद्यालय के रजिस्ट्रेशन में हम आपसे कोई बैनर की डिमांड नहीं करते। हमारा डिमांड होता है कि आपके पास वो प्रस्तावित जगह, वो कमरा दिखाइए जहां आप कुर्सी मेज लगाएंगे, जहां आप क्लासेज चलाएंगे, जहां पे आप प्रस्तावित कर रहे हैं बाल विद्यालय जिस जगह पे, तो वहां आपको वो दिखाना है। बाकी तो हम आप मिलके अपना सेंटर तो लगा ही लेंगे, खूब सुंदर सजाएंगे, मानक के अनुसार उसको करेंगे। जहां कोई दिक्कत होगी आप हमसे सलाह लेंगे, हम आपको बताएंगे कि यहां पे इसको ऐसे करना है, तो हमारी पूरी टीम लगती है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। सज्जाद नवल से एक और क्वेश्चन है, नवल का अगर है तो बात करा दो। सज्जाद आप सुन पा रहे हैं? इसका रिप्लाई सर ने पहले ही कर दिया था कि जिनका सस्पेंशन पीरियड ओवर हो गया होगा उनके लिए दो प्रोसेस सर ने बताया था, तो इसका रिप्लाई सर ने ऑलरेडी कर रखे हैं सर, जिनका टाइम पीरियड ओवर हो गया है। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से भी सुन सकते हैं जिनके ये क्वेश्चन है। तो अब देखो इनका अगला सवाल है, ये इनका जवाब दो आप। हम अरुण मौर्य जी बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं बाल विद्यालय कितने दिन में मिल जाता है? 48 घंटे के अंदर मिलेगा आपको। अगर आपने आज आवेदन किया है तो कल या परसों आपका अप्रूव हो जाएगा। ओके, सलीम खान साहब ये लिखते हैं, बाल विद्यालय इनका एकेडमी पेंडिंग 8 महीने से, हाँ आपने होल्ड किया है तो मेरा अप्रूव करवा दो या पैसा रिटर्न करवा दो। ठीक है, आप मुझसे अभी कॉल बैक करिएगा मेरे नंबर पे, मैं चेक करता हूँ क्या वजह है। ठीक है, इसको अभी देख लेते हैं। कुछ बैंक के क्वेश्चंस हैं जो हम नहीं ले पा रहे हैं, और हमको इससे आइडिया लग रहा है कि आगे हम ऐसा कोई सत्र रखें जिसमें हर विभाग से अपने साथ के सहकर्मी को रखें जो आपको प्रॉपर जवाब दे सके। अब कोई खास क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो आज के टॉपिक को लेकर के, हम तो मैं आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा, लगातार आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे। और साथ ही आज थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से भी मैं आप लोगों को पूरा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी हमने 1 घंटे का लगभग सेशन किया। आज हमारा उद्देश्य था कि मैं आप लोगों के साथ रूबरू होकर के ये बता सकूँ, आपकी सवालों को ही ज़्यादा एड्रेस करूँ। लेकिन मेरा आज का जो सबसे बड़ा मेरा पॉइंट था कि आज हम लोग नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर की जो अनाउंसमेंट थी कि डेट हमारी बढ़ गई है, 31 मार्च से 30 अप्रैल तक हो गया है। और उसके अलावा मैंने बताया कि हमारे कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो अभी 31 तारीख को ख़त्म हो रहा है, जो टैली के बारे में मैंने बताया कि टैली प्रोग्राम है, साथ में एक आईडीड का प्रोग्राम है, आईडीड में आईडीड सब्सक्रिप्शन सेंटर लेने के लिए उसका क्या छोटा सा प्रोसेस है वो मैंने दिखाया था। तो इन्हीं विचारों के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, आप अच्छे से रहें। मौसम थोड़ा गड़बड़ है, सर्दी ठंडक बारिश अचानक चीजें बदल रही हैं, तबीयत खराब हो सकता है, तो अपना ध्यान रखें। चलिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।